नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2022 डीबी को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले आज जिनका भी डीबी है आप सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अच्छे से आप लोग डीबी कराइए और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप जो आपको ले जाना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता है उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, घर पर ना छूटे। फोटो कॉपीज आप सबकी ले लें, फोटो कॉपी को स्वप्रमाणित जरूर कर लें। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि रिमार्क्स में नो का मतलब क्या है। जैसे आपने डीबी करा लिया और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपके जमा कर लिए उसके बाद रिमार्क्स में उन्होंने नो लिख दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करना, जिनका डीबी हो चुका है आपको भी, जिनका डीबी अभी होने वाला है। और आपके जितने भी कमेंट्स हैं कल सुबह से लेकर शाम तक का हमने बता दिया था, शाम के बाद, और हमने लगभग जो है लगभग सभी के कमेंट आपके रिप्लाई किए होंगे। कुछ कमेंट छूट गया होगा मैं उसको मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग वीडियो को देख लिया करिए। हम वहाँ पे आपके जो भी कमेंट छूटे रहते हैं वहाँ पे कमेंट आपके ले लेते हैं। और एक अभी एक किसी भैया का फ़ोन आया था तो वो जो है पूछ रहे थे आयु सीमा में छूट वाला। आयु सीमा में जो छूट वाला मामला है, अगर आप में से कोई हो तो आप प्लीज़ देख लीजिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए। जैसे इसमें हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा तो की थी, हमने एफिडेविट भी बताया था क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब भी बताया था। लेकिन आयु सीमा छूट वाले जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी कि पीईटी में हमारा फॉर्म ही सबमिट नहीं होता था अगर हम 40 से ज़्यादा हैं तो, और इस वजह से उसमें RUX गवर्नमेंट पे जो है क्लिक करके लोगों ने अपने फॉर्म सबमिट कर लिए थे। तो वो तो हम है नहीं, हम तो संविदा पर हैं, फिर यहाँ पर हम कैसे आवेदन करते अगर हम PET में किसी प्रकार से नहीं कर पाते। तो PET की में जो परीक्षा कराया गया था ये उसकी गलती है, फिर आयोग ने कोई नोटिस उसके रिगार्डिंग नहीं दी। तो फिर वहाँ पे क्या किया गया कि उसका एक ही सलूशन समझ में आया कि वहाँ पर एक एफिडेविट बनवा लिया जाए ताकि हम ये बता सकें कि हमें वहाँ पर आवेदन ही नहीं कर पाते। तो फिर यहाँ पर हम आयु सीमा में छूट कैसे प्राप्त करते संविदा कर्मी होने के आधार पर, जब हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते तो फिर कैसे। तो इस तरह से एक एफिडेविट आपको लिखवाना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समक्ष करके, और उसके बाद आपका हो जाना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। और एक जो है कि ANM रजिस्ट्रेशन जो है 5-1 के बाद का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ कमेंट अब आ रहे हैं। पहले तो ऐसा कमेंट नहीं आया था, पहले ये बोला गया था कि लिए हैं लेकिन ये बोल रहे थे कि उस पर डिसीजन लिया जाएगा। और प्राप्त जानकारी के अनुसार 5-1-2022 के बाद का अगर ANM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपका है, वो स्लिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्लिप जिनका था या जिन्होंने स्लिप ही जिनके पास है, आप 18 तक अपने ओरिजिनल जमा कर दीजिएगा डाउनलोड करके, या डाक से मेल पर आता है उससे आप उसको आप ले करके जरूर आप उसकी फोटोकॉपी आप जो है स्वप्रमाणित करके आप जरूर जमा कर देना। आप सभी से हमारा निवेदन है ये गलती आप लोग मत करिएगा। और तीसरी एक बात आप लोग और सुन लीजिए कि जैसे कोई भी छोटी सी गलती आपको समझ में आ रही, कुमारी श्रीमती ये सब गलती नहीं होती है। शादी से पहले अगर आपके नाम के पहले कुमारी लगा है, फिर आप मैरिड अपने आपने हो गए, आप अपने फॉर्म में डिटेल भी भरी है मैरिड की, आपने लिखा भी है कि हम शादीशुदा हो गए हैं, फिर आप कुमारी हट गया आपके नाम के आगे से, ये कोई गलती थोड़ी होती है। आप खुद सोचिए, गलती तब होती है ना जैसे नाम में कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, कहीं पर स्पेस था स्पेस नहीं है, एक ही में नाम है, ये सब गलतियाँ होती हैं। उसके लिए आपको एफिडेविट ज़रूर बनवा करके देना है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए जो रिमार्क्स में नो का मतलब है, नो का मतलब ये हो गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, पूरे हैं, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। अगर यहाँ पर नो नहीं लिखते इसका मतलब यहाँ पर वो कुछ लिखेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स रह गया है देने से, ठीक है। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जिनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट था, डीबी हो गया आपका, तो आपके रिमार्क्स में नो ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को, नो से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, मतलब आपका डीबी में कोई कमी नहीं है इसलिए नो लिखा गया, कोई आपको डॉक्यूमेंट्स अलग से नहीं देने हैं। जिनका जिनको देने होंगे वो फिर उनका लिख देंगे वहाँ पर, और जिनको भी कुछ भी बोला गया हो कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स देना है। और अब देखिए क्या हो रहा है, जो जाति प्रमाण पत्र है ना, देखिए नया तो पहले भी नहीं ले रहे थे लेकिन पुराने वाले के साथ में नया पहले भी लिए थे और अब भी ले रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी आप लोग मत रखिए प्लीज़। तो जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का दीजिए, ज़्यादा पुराना हो तब भी दीजिए, या आपने दिया हो उसके साथ, अगर आपने नया वाला बनवा करके नहीं दिया हो तो हमारा आप सभी को सजेशन है कि आप 18 को ले जा करके बल्कि आप दे दीजिए, लेकिन देना आपको है नया वाला भी। और जिसका केवल पति वाला ही था आपको एफिडेविट के साथ में देना था, 5-1 के पहले का होना चाहिए, बिल्कुल नया, केवल सिर्फ नया है, पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, उनको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। पुराना चाहे कितना भी पुराना हो, ऑफलाइन वाला हो, लेकिन पुराना ही आप दीजिए, प्रीफर करिए। EWS है ये भी आपका 5-1-2022 के पहले का हो, अगर फॉर्म में आप यस करना भूल गए हो, EWS लगाना भूल गए हो, तो आप एफिडेविट के साथ में दे दीजिए, बात का देखिए वो लेंगे नहीं, बाकी आप एफिडेविट के साथ में दे सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से आप सभी के कमेंट देख लेते हैं।
वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें। हमारी कोशिश ये होती है कि सही जानकारी सभी तक पहुंचे। आप सभी से फोन कॉल पर बात कर पाना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने नंबर शेयर किया हुआ है। जहां तक संभव होगा आपसे बात भी करेंगे, आपसे मेल पर भी, आपसे चैट जो भी होगा, आपकी समस्या को उसका जो भी समाधान होगा कमेंट में आप सभी बताते रहिए। जिनको पता हो आप किसी दूसरे के भी रिप्लाई करते रहिए, जिनकी कोई समस्या हो हम भी रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन डीबी आपका अच्छे से होना चाहिए, कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने जो है कोई गलती है फिर भी हम बता नहीं रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हैं, ऐसा मत करिएगा। जो भी चीज़ें हो ना आप उसको बेझिझक आप कहिए उसको। सबसे पहला कमेंट हम यही देखेंगे कि एएनएम रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी के बाद का है, आप ओरिजिनल दीजिएगा, फोटोकॉपी करा ओरिजिनल की फोटोकॉपी दीजिएगा, 100 प्रमाणित करके स्लिप मत दीजिएगा। अभी इसके लिए अगर और लोग नहीं मान्य करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इसमें विवाद होने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरह से वैलिड है, इसको मानना चाहिए। एएनएम का रिजल्ट तो आया है ना आपके फॉर्म भरने के समय, फिर रजिस्ट्रेशन से क्यों दिक्कत हो रही है? रजिस्ट्रेशन तो हमें बाद में करवाना होता है रिजल्ट आने के बाद, और किसी ने बात का अगर रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसको आप रिजेक्ट थोड़ी करेंगे। कुछ कमेंट आपके कल वाले छूट गए थे, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। फोटो नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर आपने जो आवेदन पत्र है ना ध्यान दीजिएगा, उस पर 2 फोटो तो यहाँ पे आपको लगाना है, स्टेपल कर देना, एक फोटो आपका यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है उसमें आपको फोटो लगाना है, और तीनों फोटो पर आपका डेट सिग्नेचर नीचे के साइड में, सामने ही नीचे के साइड में करना आपको है। तो अलग से अगर फोटो नहीं लिए होंगे तो उससे आपको परेशान नहीं होना। हमारा निवास 2013 का पिता की तरफ का, पति का निवास 2017 का है, नया बनवाने के लिए अप्लाई किया, निवास लगेगा कि नहीं? फॉर्म में पिता का सब कुछ लगा, पिता की तरफ से निवास बनना मुश्किल है, और अब आधार भी पति की तरफ का हो गया। आप कौन से कागज़ लगाएं कि डीबी होना है 14/6 को? मतलब कमेंट आपका हम रिप्लाई किए थे लेकिन हम आपका बता नहीं पाए थे इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपका कल ही डीबी था। तो यहाँ पर देखिए निवास, पहली बात तो केवल सामान्य वर्ग को देना था, और निवास आपका किसी भी, चाहे पति का हो चाहे पिता वाला हो, दोनों चल जा रहा है। निवास से आपको कोई दिक्कत नहीं, बसरते वो आपका एड्रेस आपके फॉर्म में भी, प्रपत्र में भी आपने भरा हो, और पहले भी आपने फॉर्म में वो पता भरा हो। बाकी बाद में अगर पता चेंज हुआ है तो आप जो प्रपत्र भरे हैं ना उस प्रपत्र में आप जो है अस्थायी और पत्राचार में वहाँ पर आप दोनों एड्रेस भर दीजिएगा। एक आपका जो अस्थायी पता है पहले का वाला है, एक आप वर्तमान में शादीशुदा विवाहित हो गई हैं तो आप अपना एक पता और भर दीजिए अपने ससुराल का। इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निवास सिर्फ उनका नहीं ले रहे हैं जिनका EWS या फिर जाति प्रमाण पत्र जमा है। EWS 11 जनवरी का था, मेरा EWS मान लिया गया, मेरे 10th के प्रमाण पत्र में पिता के नाम में स्पेलिंग, अच्छा ये था मिस्टेक, इसके लिए नोटरी मांगा था तो हमने सबमिट किया है। बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। तो चूंकि संशोधन में जो है कैटेगरी हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर जो है बाद में हम EWS को एस या नो कर सकते थे, तो इसलिए संशोधन की जो लास्ट डेट थी 12 जनवरी तक का, इसको मानना चाहिए था। इन लोगों ने स्पष्ट पूरा गाइडलाइंस नहीं दिया है डीबी के नोटिस में। एएनएम के फॉर्म में पेट की इन्फॉर्मेशन है, तो बाद में संशोधन का ऑप्शन आया था तो 11 को EWS फॉर्म में लगा दिया था, तो हो जाएगा, मान्य होगा आपका। फॉर्म भरते समय लास्ट वाले पेपर पर एएनएम के सब्जेक्ट लिखने रह गए, क्या दोबारा 18 को जाना चाहिए? देखिए इससे तो दिक्कत वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने टोटल अगर मार्क्स और वो सब लिखा होगा, सब्जेक्ट ही केवल लिखना भूल गए होंगे, तो चलिए एक बार के लिए ठीक भी है। लेकिन आपको हमारा सजेशन है कि आप एक बार जा करके वो जो प्रपत्र है फिर से भर के आप एक अप्लीकेशन के साथ दे दीजिएगा कि सर हमारा ये प्रपत्र थोड़ा सा मिस्टेक, हम फिर से देना चाहते हैं। आप सही से बताया है सर, पर फॉर्म जमा कर सकते हैं 18 जी बिल्कुल। जाति के बारे में जानकारी दें कि मुझे रिजर्वेशन मिल सके, मेरी पत्नी MP से है और शादी UP में हुई है, OBC वर्ग में सेम कास्ट में, पर पिता पक्ष की जाति नहीं है, फॉर्म में पति पक्ष की जाति लगी, पिता की जाति 2015 की MP है। देखिए आपके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको मतलब उसमें आरक्षण मिल सके, अगर आप उसमें एफिडेविट लगा करके भी देते हैं बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोग गए थे इसके लिए, उनकी भी गाइडलाइंस है कि अदर स्टेट अगर आपके पिता निवासी हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, भले ही आप उस स्टेट में आपके पति उस स्टेट के निवासी हों। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए, मैं कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा, जो चीज़ें हैं मैंने आपको क्लियर बता दिया है। यहाँ पर किसी ने रिप्लाई भी किया हुआ है, 2013 का निवास है, अभी 2022 नया बनवाया, आप दोनों दीजिएगा, दोनों एएनएम के मार्कशीट पर मार्क लगा दिया था, सब सही करवा लिए हैं, तो फॉर्म भरते समय मार्क वाला ही मार्कशीट लगाए हैं, तो कोई दिक्कत, मेरा डीबी कल है 15 यानी आज आपका डीबी है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिता पक्ष की जाति बनवाने के लिए कुछ प्रूफ मांगते हैं लोग, हाँ जी बिल्कुल मांगते हैं। रीचेक का कैसे पता चलेगा? वो आपको हमें पता नहीं चलेगा, हम आपको बता देंगे जब रीचेक वाला स्टार्ट होगा, हम आपको बता देंगे। उसमें जिनमें कुछ कमी होगी तो वहाँ पर उनके लिए बुलाया जाएगा, उनको जो नंबर जो ईमेल आईडी आपकी पड़ी होगी। हम एक ही फ़ोटो लगाए हैं, बाकी हमसे फ़ोटो नहीं लिया गया, 3 फोटो आपको लगाना था आवेदन पत्र पे, अगर आपने 2 फोटो नहीं लगाया है तो फिर वो कहीं ना कहीं गलती आपकी है,
कितनी बार इस चीज़ को हमने बताया कि नीचे फोटो सिग्नेचर सामने की तरफ ही 3 फोटो आप लगा दीजिए, उसके अलावा फोटो अगर नहीं मांगते हैं तो आपको परेशान नहीं होना। लेकिन आप एक ही फोटो लगा कर आए हैं, ये फोटो भी आपको लगाना था। जिनको थोड़ा भी डाउट लगे ना, आप वो प्रपत्र फिर से भर के 18 को जमा कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप चांस लीजिए। आज हमारा डीबी था, कोई दिक्कत नहीं आई आ रही। उन्होंने 2019 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट लेने से मना कर दिया था, बट हमने रिक्वेस्ट की तो जमा कर लिया। उसमें आपने एक नया वाला भी आपको साथ में देना चाहिए था। नया के लिए हमने बोल दिया था, बहुत पहले बोल दिया था कि नया आप लोग प्लीज़ बनवा लीजिए। और जिनके पास पति, जिनकी शादी हो गई है, पिता पक्ष की आज्ञा पर पिता पक्ष वाला ही बनवा लीजिए जाति। और EWS के लिए भी हमने कहा था कि आप चाहे तो बनवा लीजिए, लेकिन एफिडेविट के साथ ही आपको देना होगा। और इसके अलावा निवास के लिए भी हमने कहा था कि आप बनवा लीजिएगा, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स 5/1 के पहले के होंगे, तभी उनके साथ आप नया लगाएंगे तो आपका मान्य किया जाएगा। ये जो फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, जिनमें एडमिशन मेरिट बेस्ड होना है, इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो फोटोकॉपी, एफिडेविट और फिर कॉपी से डीबी हो सकता है। देखिए, आप एफिडेविट के साथ में आप फोटोकॉपी जमा करेंगे तो वहाँ पे आपका मान्य हो किया जा सकता है। लेकिन आपने अप्लाई कर दिया हो कि हमें ओरिजिनल हम मतलब मंगवा रहे हैं और जमा कर देंगे, हम बाद में हम जमा कर देंगे, ये सब आपको लिख के देना पड़ेगा एफिडेविट में। मेरे वाइफ का सर्टिफिकेट हस्बैंड के यहाँ का जमा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, मैं बिल्कुल आपको अश्योर नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपने इसमें एफिडेविट अगर नहीं दी होगी तो, अगर आपने एफिडेविट दी होगी तो आपका मान्य कर लिया जाएगा। लेकिन एफिडेविट के साथ आपने जमा किया हो, और ये चीज़ हमने बहुत पहले बहुत बार बताई है। माता के नाम एक जगह रामकांति, दूसरी जगह अच्छा ऐसे है, यहाँ पर शायद अच्छा यहाँ पर ए एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पर एफिडेविट दे दीजिएगा बनवा करके। मेरा डीबी हुआ, जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का नहीं था तो दिक्कत होगी। आपको एफिडेविट के साथ में अपने पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र देना था। अच्छा हुआ आपका ये कल का कमेंट है कुछ यहाँ पे, और फिर हम आज के कमेंट भी हमने कुछ देखे, कुछ अभी और आगे देख लेंगे। तहसील चेंज हो रखा है, हम मेरे पुराना वाला तहसील का एड्रेस फॉर्म में भरा है, न्यू तहसील का बना लिया है, तो एड्रेस कौन सा भरें? आप नया वाला ही भरिए, पुराना वाला जिसे दो जगह एड्रेस भरना है तो आप चाहे तो दोनों जगह दोनों एड्रेस भर सकते हैं अलग अलग। कौन सा मार्कशीट लगाएं सर? मार्क वाला, वेरीफाई वाला प्लीज़ बताएं। आपको अपना वेरीफाई वाला ही लगाना है, या तो आप दोनों लगाइए, एक एफिडेविट के साथ में लगाइए कि पहले हमारा ऐसे था फिर हमने बाद में इसको ऐसे सही करवाया, तो आप दोनों लगाइए एफिडेविट के साथ में। कुल मिलाकर के आयोग को आपको ये वेरीफाई करवाना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, बिल्कुल उनको समझ में आना चाहिए, बस आप ये समझ लीजिए। मेरा डीबी होगा, प्रपत्र में ANM सब्जेक्ट नहीं लिखा, टोटल नंबर लिख के दिया है। सब्जेक्ट उसे आपको लिखना था, टोटल लिखा है तब भी आपका हो जाना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट भी नाम आपको लिखना चाहिए था। आप चाहे तो 18 को जमा कर दीजिए, का ले जा करके दूसरा प्रपत्र एप्लीकेशन के साथ में, ब्लैक पेन से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक हो गया, जो 4 PDF निकलवा के भरना था ऑफलाइन वाला, उसमें आप उसको फिर से भर के दीजिए एक एप्लीकेशन के साथ में कि हमारा ये प्रपत्र इस प्रकार से गलती, हम सही देना चाहते हैं 18 को। लापरवाही बिल्कुल मत करिए। DB में सर्टिफिकेट नंबर की जगह दूसरा नंबर पड़ गया है, तो हालांकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट हम यहाँ पर आपको भी यही बोलेंगे कि आप भी ये सब गलतियाँ आप लोगों से हो कैसे जाती हैं। आप एक प्रपत्र गलत हुआ, दूसरा प्रपत्र भर लीजिए फिर से उसको। हमने कहा था कि प्रपत्र प्रिंट आउट निकलवा के PDF उसकी आप एक दो कापी और करा लीजिएगा। गलती आप लोग नहीं करना चाहिए। खैर, जो भी हो गया, लेकिन आपको एक एप्लीकेशन के साथ में दूसरा प्रपत्र दे देना चाहिए भर के। आवेदन पत्र में एक ही फ़ोटो लगा है, 3 नहीं मांगे आगे से, 2 फोटो सादे पेपर पर लिए हैं। चलिए ठीक है, आपको आवेदन पत्र पे ही लगाना था 2 फोटो प्लस एक उस पर ऑलरेडी जगह बना हुआ था लगाने के लिए। मेरा DB हो गया, मेरी मदर के नाम में इंग्लिश में तो ठीक लिखा है, बट हिंदी में अलका में आधा आई आ रहा है, और कास्ट सर्टिफिकेट में पूरा आई है, डोमिसाइल में आधा है। आपको एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। DB हो गया, मैंने पति पक्ष से फॉर्म फिल किया था, पिता पक्ष का 2011 का लगाया है, और पति पक्ष से भी लगाया है मेरा, निवास भी लिया, एफिडेविट भी लगाया था, पर वो नहीं लिया, बोले पति का न्यू और पिता का पुराना चलेगा। चलिए बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। मेरा 17 को है जी, बिल्कुल आपको ऑल दी बेस्ट। हमारा अनुभव कापी, देखिए आपको अनुभव की कापी ही देनी थी, कुछ लोगों ने अपना ओरिजिनल दे दिया, आपको कापी ही देनी थी। 2014 का फादर का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया और एक हस्बैंड का लगाया है, तो मेरे दोनों ले लिए, बट मेरे से कुछ नहीं बोला, जो रिमार्क्स है उसमें नो, तो बिल्कुल आपका सही है ना, यानी कोई दिक्कत आ, रिमार्क्स में नो का मतलब है कोई दिक्कत आपको नहीं है, निवास नहीं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट ना, उस पर ऑलरेडी जो पता लिखा होता है। हमारा DB अच्छे से हो गया। फीस की रिसिप्ट कौन सी लगेगी? फीस की रिसिप्ट कहाँ देनी है आपको? केवल डिटेल भरना है एक जगह, नए निवास में मदर नाम में पूनम देवी हो गया, जबकि मार्कशीट में पूनम त्रिपाठी। आपको एफिडेविट बनवा लेना चाहिए, ठीक है, बनवा लीजिए आप। और शादी के पहले का भी निवास 2013 का है,
ठीक है, वो निवास तो पुराना आपका चल जाएगा, लेकिन आपको इसके साथ एक नया बनवा करके जरूर देना था। नया के लिए हमने बहुत बार बोला था कि नया आप प्लीज़ बनवा लीजिए, पुराने वाले के साथ में आपको नया देना था, सिर्फ नया नहीं चलेगा। जिनका डीबी आ जाए, आप सभी को हमारे तरफ से शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। मेरा तो एनओसी मांग रहे थे, मैं संविदा हूँ, एनओसी वाले कॉलम में नो लिखे हैं, तो एनओसी क्यों मांगेंगे आपसे? एनओसी केवल स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही देना था क्या सर? अगर मेरे माता पिता के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो उसके लिए एफिडेविट मांगा जाएगा? जब देना है कि पहले से ही बनवाना? आप बिना मांगे पहले से ही बनवा करके ले जाइए, आपको देना है, ठीक है? आप ये मत सोचिए कि हमको बाद में मांगेंगे तो फिर बाद में जमा करेंगे। मेरा भी डीबी हो गया लेकिन रिमार्क में नो लिखा, नो से मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है? मेरे फ़ोन में कुछ एड्रेस इंग्लिश में भरा गया है, बाकी हिंदी में, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी आपको एक ही हिंदी में सिंपली भर देना चाहिए था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपको वहीं से मिलेगा, बायोमेट्रिक स्लिप, डीबी स्लिप। जाति निवास 2016 का है, चलेगा। और नया अगर आपने बनवाया हो तो प्लीज़ आप नया वाला भी जरूर दे दीजिएगा। मेरा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। जाति निवास पिता पक्ष का है बट 2016 का है, चलेगा, चलेगा बिल्कुल। नया अगर आपने बनवाया हो हमारे कहने के अनुसार तो आप नया वाला दीजिएगा, अगर आपने नहीं बनवाया हो हमारे कहने के बाद भी तो फिर आप कहाँ से देंगे? मार्कशीट और सर्टिफिकेट को स्वप्रमाणित लिख के साइन, हाँ जी, जो फोटोकॉपी है ना उस पर आप निजी साइन कर दीजिएगा खाली जगह में। सभी फोटोकॉपी आपको स्वप्रमाणित का मतलब है लिखना आपको नहीं है स्वप्रमाणित, केवल आप अपने साइन कर दीजिए तब भी हो जाएगा। वो फोटो तो सादे पेपर पर लगाना है, नहीं नहीं, आवेदन पत्र पर सामने स्टेपल करना है। फोटो पर पहले आप साइन डेट कर लीजिएगा सामने की तरफ नीचे, फिर आप फोटो को स्टेपल कर दीजिएगा। एक फोटो आवेदन जो पत्र है 3 पेजेज वाला, उसी पर पहले वाले पेज पर करना है आपको। एनओसी किसी का नहीं मांग रहे हैं,